हेलो गाइस, आइए आज अमड़े का इंस्टेंट अचार बनाते हैं। ये बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अमड़े का अचार अच्छा लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है और ये बनाते के साथ आप खाना शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी होती। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले अमड़े को भून लेना है, दो पीस में काट कर धोकर इसे भून लेना है और पलट पलट कर लेना है ताकि दोनों तरफ से ये सीख जाए और इस पर थोड़ा सा चारकोली स्पॉट आ जाए। इससे ये मज़ेदार भी होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये भून लेने से थोड़ा गल भी जाता है, तो इसे धूप में रखकर गलाने की या ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही ये गल जाता है आप एक पॉट में थोड़ा सा मसाला इसके लिए तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और साथ में यहाँ पर लहसुन के पेस्ट के साथ 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर है। हल्दी अचार का प्रिजर्वेटिव होता है। इसके बाद 1/2 टी स्पून ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अजवाइन है 1/2 टी स्पून, जिसे दोनों हाथों से क्रश करके मैंने मसाले में मिला लिया है। नमक स्वाद अनुसार ले लें। यहाँ पर मैंने 3/4 टी स्पून नमक लिया है और साथ में ये मंगरेला है, ब्लैक सीड्स या अनियन सीड्स इसे कहते हैं, ये भी 1/4 टी स्पून मैंने लिया है। क्रश्ड चिली फ्लेक्स है, ये तीखा तो नहीं करेगा बस ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल, कच्चा मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अगर आपको इसे तुरंत खाना है तो 2 टेबल स्पून, ये मैंने अमड़ा लगभग 300 ग्राम लिया है तो इतना काफ़ी होगा। और अगर इसे रखना है तो आप 2 टेबल स्पून और तेल बढ़ा सकते हैं। अब जो अमड़े को हमने भुना था उसे इस मसाले में मिला दें। अलट पलट करके खूब अच्छी तरह से मसाले को इसके चारों तरफ मिक्स कर लें। अब देखिए ये अमड़े का अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप जब इसके बर्तन में उबले हुए चावल पोंछकर खाएंगी या रोटियों से खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा और इसे चूस चूस कर खाने में बड़ा मज़ा आता है। अभी सीज़न का बहुत ही टेंडर अमड़ा है, जिसे आप पूरी तरह से खा लेंगे, बाद में ज़्यादा पुराना होने पर इसमें जाले आ जाते हैं और उसका भी अपना एक अलग टेस्ट होता है चूस चूस कर खाने में। तो लीजिए, मैंने इसे जार में डाल दिया। बचे हुए सारे मसाले को ऊपर से डाल दें। अब इसे आप टेबल पर रखकर अपना लंच, डिनर, स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं या ऐसे ही अमड़े को हाथों में लेकर चूस कर खा सकते हैं। तो देखिए, है ना बहुत काम का और बड़ा आसान। इसमें धूप लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं इसे धूप में रखें और 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दें, तब ये ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। ये ऐसे भी 4-5 दिनों तक आपके टेबल पर रखा जा सकता है और अगर धूप घर में नहीं आती तो इसे आप फ्रिज के रैक पर रखें। इसे फ्रिज के रैक पर रखकर महीनों खाया जा सकता है। इसके छोटे बैचेस बनाएं और फटाफट खाकर फिर दूसरी बार बना लें। तो अगर इसे आपने पसंद किया हो तो हमें लाइक करें।